हे गाइस, इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड आई नो कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग इसी टॉपिक के ऊपर सारे मीडिया चैनल्स एंड मीडिया एप्स के ऊपर पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इश्यूज पे बात करना चाहता हूँ जिसको आई एम श्योर मोस्ट प्रोबेबली काफी सारे मीडिया चैनल्स ने कवर नहीं किया होगा। जब मैं इस न्यूज के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चंस रेज हुए। एंड आई थॉट, अगर मेरे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप में से भी काफी सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर डेवलप हुए होंगे। बट इससे पहले कि हम इन इश्यूज पे बात करें, जल्दी से एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं ये री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास की करंट सिचुएशन पे। सो 17 सितंबर 2022, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन इंडिया ने टोटल 8 चीतास इम्पोर्ट करे। अब वैसे तो इंडिया का प्लान है टोटल अराउंड 18 से 20 चीतास को इंट्रोड्यूस करने का, और ये पहले बैच में 8 चीतास जो है वो हमने एक अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से इंपोर्ट करे हैं, और बचे हुए 8 से 10 चीतास हमने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करने का प्लान किया है। अभी चीतास तो आ गए, लेकिन इनको रखने के लिए हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसी जगह चूज करी है जहां का वेदर एंड टेम्परेचर अफ्रीकन कंट्रीज नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से काफी सिमिलर होगा, ताकि इन चीतास के लिए अपना नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करना काफी इजी हो जाए। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जगह चूज करी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी के पास कुनो नेशनल पार्क में। अब ये सब पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ऐसे एनिमल्स जो कि इंडिया में एक टाइम में काफी लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते थे, वो इतने साल पहले कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। अब अगर इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढें तो सिर्फ एक ही शब्द में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि है हंटिंग। जी नहीं, चीतास की हंटिंग नहीं, चीतास का इस्तेमाल करके बाकी एनिमल्स की हंटिंग करना। अब चीतास बाकी बिग कैट्स यानी कि लायन एंड टाइगर से थोड़े अलग हैं। ये उनके जैसे एग्रेसिव हंटर्स नहीं होते हैं, ये फाइट्स को भी ज्यादातर अवॉइड करते हैं, और जब ये हंटिंग करने जाते हैं तो ये ग्रुप में सबसे वीक और अनहेल्दी एनिमल को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन चीतास के पास ऐसी दो एबिलिटीज थी जो कि ह्यूमंस के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाली थी। पहला, उनकी सुपर फास्ट स्पीड, और दूसरा उनका इजीली कंट्रोल हो जाना, यानी कि ह्यूमंस के लिए उनको पेट करना, उनको पालना बाकी बिग कैट्स के कंपैरेटिवली काफी इजी था। अब इसी रीजन की वजह से मुगल्स एंड मराठा एम्पायर के टाइम से ही लोगों ने इन चीतास को इनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के अपने पास रखना शुरू किया। अब ये सब राजा महाराजा इन चीतास का इस्तेमाल करते थे बाकी एनिमल्स की हंटिंग करने के लिए। अब इस तरीके से अगर इन चीतास को इनके नेचुरल हैबिटेट से, इनके घरों से निकाल के अपने पास रखा जाएगा तो ऑब्वियस है कि इनकी ब्रीडिंग नहीं होगी, और इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी अग्रेसिवली कम होने लग गई। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया है तो काफी ब्रिटिश रूलर्स ने इन चीतास की ही हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए इन एनिमल्स को मारना, उसके बाद इनके डेड बॉडीज के साथ फोटोज खिंचवाना एक रॉयल्टी मानी जाती थी, एक सेटिस्फेक्शन माना जाता था। एंड फाइनली 1948 में इंडिया के एक रूलर महाराजा प्रताप सिंह देव ने इंडिया के लास्ट 3 चीतास को भी हंट करके मार दिया। एंड फिर 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि अब क्यों, जो एनिमल्स 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए थे उनको वापस रीइंट्रोड्यूस करने में 75 इयर्स का वेट हमारी गवर्नमेंट ने क्यों किया। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की। चीतास के एक्सटेंट होने के कुछ सालों बाद यानी कि अराउंड 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से बातचीत करनी शुरू करी, क्योंकि इंडिया के बाद ईरान ही एक ऐसी एशियन कंट्री थी जिनके पास चीतास बचे हुए थे। लेकिन बातचीत शुरू होने के कुछ सालों बाद ही ईरानियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और ये टॉक्स भी कम्प्लीटली फेल हो गई। उसके बाद 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से ईरान के साथ बातचीत शुरू करी, लेकिन इस बार भी ईरान काफी हेजिटेंट था। बल्कि इस बार तो उन्होंने एक डील रखी इंडिया के साथ कि अगर हम उन्हें लायंस देंगे बदले में तो वो सोच सकते हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में हम ऑलरेडी लायंस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ऐसे में ईरान को लायंस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये टॉक्स भी दोबारा फेल हो गई। एंड फिर फाइनली जनवरी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो अफ्रीका चीतास को वापस इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चीतास को लेके आपके साथ दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो चीतास नामीबिया से इंडिया लाए गए हैं वो एग्जैक्टली सेम चीतास नहीं है जो इंडिया में पहले पाए जाते थे, क्योंकि इंडिया में पहले एशियाटिक चीतास हुआ करते थे और अब हम अफ्रीकन चीतास को लाए हैं। फैक्ट नंबर 2, बहुत सारे लोग इन दोनों एनिमल्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। वेल, ये चीता है
और ये लेपर्ड है। ये दोनों सिमिलर इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनका स्किन पैटर्न काफी आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आप इनको पास से देखें तो चीतास की स्किन पे प्रॉपर ब्लैक सर्कुलर मार्किंग्स होती हैं और लेपर्ड की स्किन पे रोजलेट्स बने होते हैं, यानी कि रोज लाइक ब्लैक मार्किंग्स होती हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस। आई होप ये आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर अस। एंड अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है देन डू चेक आउट माई अदर वीडियोस एज वेल। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ वेरी गुड डे।